वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं। और आज भी थकान दिख रहा है कल के चिड़ियाघर घूमने का। बहुत सुस्ती सुस्ती सा लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। लग रहा है कि बस खाना खाए सो जाए, वो भी खाना बना बनाया हुआ मिल जाए। बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी, क्योंकि ये बहुत दाग हो रहा है यहाँ पे, ब्लैक ब्लैक लग रहा। फिर से मुल्तानी मिट्टी लगाना पड़ेगा या नींबू। तो अभी हम चल रहे हैं किचन में, बनने वाला है आज कद्दू की सब्जी और चावल। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा आज, क्योंकि मन नहीं कर रहा आज काम करने का, पता ना क्यों। मतलब होता है ना चिड़ियाघर, आप जाओ घूमने ना तो घूमने में अच्छा लगता है, बट थकान हो जाता है। और ना यहाँ से जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से जू बहुत दूर है, तो जू घूमने में थकान नहीं हुआ जितना बैठे बैठे बाइक पे है। मतलब थकान हो गया, मतलब अजीब सा कमर में दर्द हो गया था ज़्यादा ही। आने के बाद तो हम लोग 4 बजे तक आ गए थे घर पे, 4 साढ़े 4 बजे तक, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। फिर आने के बाद खाना वगैरह बनाया, एक करी फिर खाया और सोए। तो एक ही बार सुबह में उठा, उठने का मन ही नहीं करा था। ऐसा लग रहा था कि आज बस छुट्टी ले ले काम से, बट ऐसा कहाँ होता है कि आप काम से छुट्टी ले लो। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना जल्दी जल्दी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसमें मेथी से छौंक लगा दिया है। आप चाहे तो राई से भी छौंक लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट राई मस्टर्ड पेस्ट था तो इसलिए हमने मेथी से छौंक लगा दिया। और ये कद्दू है और मटर, इन्हें डाल के हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। मटर और कद्दू एक साथ इसलिए डाला ताकि दोनों को भुनना रहता है अच्छे से, और इसे हम भून लेंगे चलाते हुए। मटर जल्दी पकता नहीं है ना, तो इसलिए पहले डालना पड़ता है। और कद्दू थोड़ा कम था तो सोचा कि आलू भी थोड़ा सा डाल देंगे, तो अभी इसे हम ढक देते हैं और पकने देते हैं। तो ये लगभग भून चुका है मटर, देखिए कैसे, मतलब भून जाता है ना तो थोड़ा सा पता चल जाता है, उसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वाइट वाइट। और ये हमने आलू डाल दिया, कद्दू कम था इसकी वजह से आलू डालना पड़ा, नहीं तो आलू डालते नहीं हम। बट आलू वाला भी सही लगता है हमको, कोई और लगता नहीं है, टेस्टी ही लगता है, क्योंकि आलू थोड़ा बहुत रहता है सब्जी में तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। केवल भुजिया भी अच्छा लगता है इसका, बट हमें इसे थोड़ा मसालेदार बनाना है। और अब इसमें डाल दिया हम नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आप खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से। और ये है मसाला, मसाले में है सरसों का पेस्ट, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, टमाटर है बस, अदर कुछ नहीं है, लहसुन है, अदरक है, जो भी है, मतलब लहसुन है। ज़्यादा कुछ डाला नहीं है इसमें क्योंकि सिंपल सा ही बना रहे हैं। मसाले बहुत थोड़े थोड़े डाले हैं, जितना है मस्टर्ड का पेस्ट है, लहसुन का है, मसाले बहुत कम डाले हैं हमने। और इसे हम चलाते हुए भून लेंगे, ढक ढक के पकाएंगे इसे हम, ताकि जो कद्दू है और आलू है वो अच्छे से पक जाए, मटर भी पक जाए। और इसमें अब हम डाल देंगे पानी, मतलब गांव का कद्दू होता है तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ वाले कद्दू में ना पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पकता नहीं है अच्छे से। और ये थोड़ा सा डाल देंगे मोटी वाली डंठल, और इन्हें हम पकाएंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, जैसे ऐसे ही बस 5 मिनट उबाल आ जाए उसके बाद से गैस को बंद कर दें, बट हमें बनाना है सूखा सब्जी, तो इसे थोड़ी देर मतलब भूनेंगे जब तक ये पानी सूख ना जाए और कद्दू पक ना जाए। और लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म खाना। तो आज हम खाना खा के आप लोगों को बताते हैं कि खाना कैसा लगा आज का। बोलने का भी आज मन नहीं कर रहा हमको, ऐसा लग रहा है कल का शादी ब्याह से लौटे हैं, वैसा हरासमेंट हो गया हमको। या फिर तीज अजीतिया का फास्ट। बहुत ही लेकिन थोड़ा तीखा हो गया, थोड़ा तीखा लग रहा। मिर्चा लग रहा थोड़ा ज्यादा ही पड़ गया, बट यम्मी लग रहा। जाड़े का मौसम और कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म चावल बहुत ही यम्मी लगता मुझे। अब ऐसा तो जरूर नहीं हर किसी को, बट बहुत टेस्ट लगा।
तो हम खाना खाते हैं, आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद खाने के बाद, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना खाते खाते बोलना, अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी हमको। तो मिलते हैं आप लोग से बाद। तो खाना हमारा हो गया, खाना खा लिया, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। मटर और कद्दू की सब्जी, आलू, आलू नहीं डाला होता बट आलू कम, सॉरी कद्दू कम पड़ गया था जिसकी वजह से आलू डालना पड़ा, बट सही लग रहा था, कोई और नहीं लग रहा था। तो अभी खाना होना हो गया है मेरा, अभी डालना है हमको निमकी, मुल्ली मंगाया था और हरी मिर्ची और नींबू, एक दिन ऑफर में था तो बहुत सारा नींबू मंगा लिया था जिसकी वजह से बहुत सारा है, तो सोचा कि निमकी डाल देते हैं। मतलब हरी मिर्ची और मूली का अचार ही होता है बट सिंपल सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निमकी। तो चलिए डालते हैं, धूप भी आज निकला हुआ तो सोचा कि डाल देते हैं। क्या कर रहे पार्क, क्या क्या बताए, क्या है वो टेडी है, वो भी मंकी पता ना क्या है, मेंढक है, मंकी ओके। तो ये कर रहे हैं पार्थ बदमाशी, तब तक हम जा रहे हैं अपना निमकी डाल लेने, नहीं तो फिर धूप चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, खराब हो जाएगा निमकी। अपने से पढ़ाई करो आप, बहुत बदमाश है ये, इसको कोई काम मिल जाता है ना करने को, जैसे मान लीजिए कि खिलौना है इसका, आप बना दो एक बना, तो अपने से कभी नहीं बनाएगा, आप ही से बनवाएगा, नहीं बनाओगे तो रोएगा। वैसे ही पढ़ता ही है, इसको पढ़ना होता है आपको परेशान कर देगा पूछ। तो पढ़ो, देख के बताओ आपकी क्या है, जो आता है वही बताओ। हम जा रहे हैं अपना काम करने के, इसके पास बैठेंगे तो बैठाए रह जाएगा, लेट हो जाएगा फिर। तो चलिए चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें धो के अच्छे से सूखने के लिए रख दी हैं, और ये मूली है जिसे हमने पहले धो लिया था अच्छे से, उसके बाद से काट लिया था, फिर सूखने के लिए डाल दिया है। और ये नींबू वगैरह भी धो के अच्छे से, मिर्ची वगैरह भी धो के सुखा लिए हैं अच्छे से, क्योंकि पानी अचार, कोई भी अचार बनाते हो ना आप, उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो रहेगा पानी ना तो वही भूरी भूरी सा हो जाता है, जो सही नहीं रहता है अचार के लिए, सारे अचार को ख़राब कर सकता है। और इसे हम लेके जा रहे हैं किचन में, ताकि जो मिर्ची है उसे काट सके और नींबू को। तो देखिए ऐसे काट लेना है, बीच से चीरा लगा लेना है जस्ट थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जो हम मसाले डालेंगे ना इसमें वो अंदर तक जा सके, उसके लिए नमक वगैरह। जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे यहाँ निमकी पड़ जाता है, हमारे यहाँ तो छठ पूजा में जो नींबू वगैरह बचता है और मूली वगैरह उसी टाइम पड़ जाता है निमकी, और बहुत ही टेस्टी लगता है मूली वगैरह, खट्टा खट्टा नमकीन, बहुत मज़ा आता है खाने में। आप ऐसे चावल के साथ खा लो या फिर भुजा वगैरह के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और नींबू को भी काट लेंगे हम, एक नींबू में 8 पीसेस करेंगे हम, छोटे छोटे टुकड़े, आप जिस आकार में काटना चाहे उस आकार में काट सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप में काटें, आप राउंड राउंड भी शेप दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम काट रहे हैं वैसा आप भी काटें, आपकी जैसी मर्जी वैसे काट लें। तो सारी चीज़ें कट गई हैं, अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर मतलब मैं 1.5 छोटा चम्मच डाला है मैंने, आप अपने अंदाज से डाल लें कितना डालना है, और नमक स्वाद अनुसार डालें जितना आप खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से। अब इसमें डाल देंगे हम अजवाइन, अजवाइन हम 1 चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि ये छोटा वाला अजवाइन नहीं है, बड़ा वाला अजवाइन है, तो बड़ा बड़ा दिखता है ना, और बहुत ये तीता होता है बड़ा वाला, जो छोटा महीन अजवाइन होता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और ये बहुत थोड़ा सा तीता सा लगता है, इसलिए थोड़ा सा डाला हमने। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसे अब हम लेके चलेंगे फिर से धूप में सुखाने, इसे हमें मतलब अच्छे से सुखा लेना है, ताकि जो ये नींबू और नमक का जो पानी दिखता है ना ये अच्छे से मतलब सूख जाए, दिखना नहीं चाहिए। और
जब यह सूख जाए तब इसमें हम तेल डालेंगे। ज़्यादा इसमें तेल नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही तेल पड़ेगा, तो इसे सूखने में 1-2 दिन लगेगा। तो नीमकी डालने के बाद हम लोग सो गए थे। पार्थ नहीं, सॉरी मैं सो गई थी, पार्थ नहीं सोया था, पार्थ यहीं पर बैठा था, बदमाशी कर रहा। अभी ये टीवी देख रहा था, देखता है कि मम्मी सो जाती है तो टीवी चालू कर देता है देखना। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।